नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमें ये समस्तीपुर के गुदरी बाजार है, रामबाबू चौक मेन चौक पे ही आपको एक ये ठेला मिल जाएगा जहाँ पे स्पेशल नॉन वेज खाना मिलता है। यहाँ पे मिलता क्या है देखिए, यहाँ पे बहुत सारा लेग पीस रखा हुआ है, चिकन का सारा पीस रखा हुआ है और यहाँ पे जो है इसी तवा पे फ्राई करके चिकन दिया जाता है और ये समस्तीपुर बिहार का बहुत ही स्पेशल डिश है। तो चलिए हम भी यहाँ के खाना को एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से ये बनाते हैं, क्या क्या यहाँ पे खिलाते हैं, सारा कुछ देखते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो अंकल जी, आप यहाँ का ओनर हैं, ये तो यहाँ पे आप क्या क्या खिलाते हैं? चिकन फ्राई है, ताश आइटम हुआ, ये ताश आइटम हुआ, मतलब ये जो प्लेट है ये आप अपना से स्पेशल में बनवाए हैं इस तरह से? हाँ, इसको चिकन ताश बोलते हैं। जी जी। तो इस चिकन को किस कैसे खा सकते हैं? सिर्फ चिकन फ्राई करके देते हैं? फ्राई करके देते हैं। और चूरा रखे हुए हैं, चूरा के साथ में? चूरा रस सलाद। चूरा रस सलाद, ये आप कब खोलते हैं सुबह में? 1 बजे से 10 बजे रात तक। 1 बजे से 10 बजे रात तक ये खुला रहता है? तो कितने दिन से आपका ये शॉप है? 40 साल हो गए। 40 साल से आप चला रहे हैं और यही खिला रहे हैं 40 साल? यही खिला रहे हैं। तो इसका रेट क्या होता है? रेट कितना में खिलाते हैं? 60 रुपये प्लेट। 60 रुपया पीस या प्लेट? प्लेट है। प्लेट है। एक प्लेट में एक पीस होता है? छोटा 6 पीस आता है, छोटा छोटा करके 6 पीस उसमें देते हैं। अगर एक पीस लेना चाहे तो एक। और इसको काट करके भी देते हैं क्या? जी। ये देखिए इनका ये चिकन रखा हुआ, ये ताज़ा चिकन है? सब ताजे रहता है। ऐसे बहुत जगह होता है कि हाफ फ्राई करके रखा है, कच्चा है। इसमें मसाला क्या सब डाले हैं? मसाला दिया हुआ है। मसाला दिया हुआ, क्या सब मसाला डालते हैं? पिस्ता है, जाफल है, आदि है, लहसुन है। यानी कि जो मसाला होता है गरम मसाला, ये गरम सब मसाला नहीं, गरम मसाला नहीं डालते हैं? गोल मिर्च हुआ, गोल मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पे पथली भी मिलता है, इसे पथली करेजी जो है थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो ये भी कुछ लोग जो है यहाँ पे अपना ऑर्डर दे के लेते हैं कि हमको ये चाहिए, तो वो उनके लिए निकाल रही है। देखिए पथली निकाल दी है, कुछ पीस यहाँ पे रखा हुआ है, अंकल चुन चुन के इधर से निकाल रहे हैं उनके लिए मनपसंद पीस। तो चलिए हम अपने लिए भी बनवाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे अंकल बनाते हैं। तो बनाइएगा अंकल, बनाइए एक पीस। कौन पीस बनाए? यहाँ पे मनपसंद पीस भी देते हैं? हाँ, जो चाहिए वो मिलेगा। तो डायना, डायना ठीक रहेगा ना? डायना ही दे दीजिए, या लेग लेग दे दीजिए पीस, लेग पीस थोड़ा खाने में बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए, ये जो हाफ फ्राई करके रखे हैं, फुल है, हाफ है, हाफ है, एक नए ताज़ा ताज़ा फ्राई कर दीजिए। ये स्टार्ट हो गया है, इसको जो कितने देर तक प्रयोग करते हैं फ्राई? तुरंत हो जाता है, लगभग 5 मिनट में रेडी। एक दिन का कितना पीस चिकन यहाँ पे निकल जाता है? 15-16 पीस। इसको ग्रेवी में भी डाल के देते हैं कि सिर्फ ऐसे खिला? ग्रेवी अलग देते हैं, वो ग्रेवी जो है चूरा के साथ में, और ये अलग से, वो चिकन का ही ग्रेवी है? प्याज का ग्रेवी है, चूरा प्याज का ग्रेवी और ये लेग पीस, सॉरी चिकन फ्राई यहाँ पे मिल जाता है, चिकन ताज। ये पकना शुरू हो गया है, इसको काट काट के अच्छे से भूनते हैं ताकि बढ़िया से सीज जाए। अच्छा, ये जो जब स्टार्ट किए थे तो कैसे स्टार्ट किए थे? खुद से अपना स्टार्ट कर दिए थे या कहीं से देख के यहाँ वहाँ पे मिल रहा है? नहीं है, वो प्रणाली स्टार्ट था। हाँ, उस समय देसी मुर्गा मिलता था, मुर्गा का पैदा था। उस समय देसी मुर्गा मिलता था, उस समय से ये स्टार्ट किए हैं? वो बंगाली स्टाफ स्टार्ट किया था, तब आप बनाना शुरू किए और तब से लोग यहाँ पे पसंद कर रही है खाना? हो गया, ये रेडी हो गया एकदम, पूरा काट देते हैं इसको, जाएंगे नहीं? हाँ, अंदर तक सीज जाएगा, तो ऊपर में लाल रहेगा, नीचे में एकदम ताज़ा रहेगा एकदम। ये जो है पूरा अंदर तक फ्राई हो जाता है एकदम, हार्ड फ्राई कम तेल में हो जाता है क्या? ऐसे तो चिकन पकौड़ा मिलता है, उसको बहुत बड़ा कढ़ाई में पूरा तलते हैं, दूसरा हुआ है ताश है, कप में जो है जो तवा पे ही भुंजाएगा। लाइए नहीं धीरे,
तो चलिए हम अपने लिए प्लेट लगवा लिए। ये देखिए यहाँ पे जो है चूरा के साथ में ये ग्रेवी मिलता है, उसके बाद ये पूरा चिकन तास यहाँ पे बोलते हैं, तो ये पूरा मिल गया है। पूरा जो है इसको बढ़िया से पकाया गया है, पूरा जो है काट काट के देखिए पूरा अच्छे से पकाया गया है। 5 से 7 मिनट लगा, लेकिन इसको काट काट के बढ़िया से पकाया गया है ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का स्पेशल समस्तीपुर बिहार का स्पेशल है ये, तो कुछ खास बात होना चाहिए ये में। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चूरा के साथ में ये प्याज का ग्रेवी जो बनाए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये दो खाना ही मिलता ही है, आप ये भी लेके खा सकते हैं और ये भी लेके खा सकते हैं, या दोनों साथ में भी खा सकते हैं। तो ये आ गया चूरा और ग्रेवी। ये जो है थोड़ा सा तीखा है, खाने में चूरा के साथ में बढ़िया लग रहा है, चूरा जो है इसके साथ में गल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो खाने के लिए आए हैं उसको टेस्ट करते हैं। पहले ये आ गया चिकन, इसे गर्म थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये ताज़ा ताज़ा बना करके दिया जाता है। ये देखिए खोल लेते हैं, ये ऊपर का जो है ये बहुत ही कुरमुरा है, ये देखिए बहुत ही कुरमुरा है। इसको लेंगे, थोड़ा सा ठंडा रहता तो खाने में और मज़ा आता। स्वाद जो है इसका काफ़ी बढ़िया आ रहा है, और बोल रहे हैं कि इसमें जो है गरम मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी स्वाद अपना जो है अच्छा ये दे रहा है। जैसे एक बार अब जो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे करके खाने में अब मज़ा आएगा। ऊपर का जो है ये मसाला बड़ा पूरा कुरमुरा हो गया है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल लग रहा है। चिकन पकौड़ा जो खाते हैं उसमें मसाला से भरा हुआ रहता है, चिकन का स्वाद उसमें दब जाता है, इसमें आपका चिकन का स्वाद जो एकदम खुल के आएगा। मसाला भी सही यूज किया गया है इसमें। अगर आप ये समस्तीपुर के आसपास से हैं, अगर आप ये खाना चाहते हैं तो यहाँ आके खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ये स्पेशल चीज़ है। यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा ये गुदरी बाज़ार राम बाबू चौक पे, ही आपको ये ठेला लगा हुआ मिल जाएगा 1 बजे के बाद, तो यहाँ आके आप खा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रास्ता इधर से आता है, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर चला जाता है, 3 रास्ता यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ मेन चौक पे ही यहाँ पे ये ठेला लगा हुआ मिल जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसको खाते हैं, लेकिन इसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। नाश्ता अगर आप करना चाहते हैं तो ये लेके भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ का स्पेशल है, तो ये आपको खाना चाहिए एक बार यहाँ आके। चलिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।